बहकावे में मत आना। तो फाइनली दोस्तों मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ 10 एंटीसेप्टिक मूवी के बारे में, जो कि दोस्तों रहने वाली 2024 की एक बेहतरीन मूवी। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा इसके बारे में क्लियरली, लेकिन दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, जब भी आप सभी को पता लग पाएगा कि कौन कौन सी 10 मूवी है जो कि काफी ज्यादा धमाल मचाने वाली और एंटीसेप्टिक भी रहने वाली। दोस्तों मैं पहले बात कर लेता हूँ शैतान मूवी की। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि शैतान मूवी का टीजर रिलीज कर दिया गया, इसमें इतना बेहतरीन आप सभी को अजय देखने को मिल रहा है, जो कि आप सभी ने इनकी कभी भी इनकी ऐसी मूवी नहीं देखी होगी, ना ही आप सभी ने दृश्यम ना ही रेड जैसी मूवी में किसी मूवी में नहीं देखी होगी। इस मूवी की जो डायरेक्टर की दोस्तों विकास भले जी है, दोस्तों इसके मैं आप सभी को बता दूं इसका जो विलन है ना आप सभी को बता दूं बिल्कुल खतरनाक शैतान के रूप में आर माधवन आप सभी को देखने को मिलने वाले बेहतरीन तरीके से। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों इसका जो टीजर तो आप सभी ने देख लिया होगा, बट दोस्तों इसका कल ही इसका ट्रेलर आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसको रिलीज किया जाएगा। दोस्तों ये शैतान मूवी बिल्कुल 8 मार्च के दिन बिल्कुल तहलका मचाएगी। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एक और बेहतरीन की मूवी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों योद्धा। इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा, और दोस्तों मैं आपसे बता दूं सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये मूवी जो आ रही है काफी ज्यादा दिनों के बाद ही आ रही है, लेकिन दोस्तों जब भी ये आई है बिल्कुल ही तहलका मचाई है। तो दोस्तों मैं आपसे बता देता हूँ इसका जो टीजर आ चुका है ना, यानी कि योद्धा मूवी का जो टीजर आया काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। दोस्तों मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं एक बार क्लियरली, इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलने वाली बेहतरीन की कहानी, यानी कि मैं आप सभी को बता दूं एयरप्लेन हाईजैक से रिलेटेड इस मूवी की कहानी रहने वाली है। और दोस्तों इसमें आप सभी को देखने को मिलने वाले एक्शन करते हुए, यानी कि आप सभी को सिद्धार्थ मल्होत्रा और भी जैसे कलाकार आप सभी को देखने को मिलेंगे, दिशा पटानी और राशि खन्ना जैसे कलाकार बेहतरीन के। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खासी मूवी रहने वाली है, 15 मार्च के दिन आप सभी को ये मूवी देखने को मिलने वाली है, 15 मार्च 2024 के दिन थिएटर में। तो दोस्तों योद्धा देखने के लिए तैयार हो जाओ। वणक्कम इंडिया, इंडियन इज बैक। तो हाँ दोस्तों सच में ही इंडियन इज बैक, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं आप सभी ने 1996 में जो आई थी मूवी जिस मूवी का नाम था इंडियन, दोस्तों उसी के सिक्वल ये मूवी जो आप सभी को देखने को मिलने वाली है फिर से, यानी इस मूवी का नाम रहने वाला है इंडियन 2। इसके अंदर आप सभी को फिर से देखने को मिलने वाले कमल हसन, वो भी बेहतरीन लुक में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कमल हसन का जलो आप सभी को इस मूवी में देखने को मिलने वाला है ही, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक बेहतरीन मूवी बनाई थी 1996 में, काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट गई थी, और एक बार फिर से जो सिक्वल आ रही है वो बहुत ज्यादा कमाल करके दिखाएगी ऐसा लगता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो इंट्रो आया काफी ज्यादा कमाल और धमाल मचा रहा है। दोस्तों आपसे बता दूं इसके अंदर आप सभी को जो कहानी देखने को मिलने वाली है वो करप्शन से रिलेटेड देखने को मिलने वाली है, कैसे करप्शन को खत्म किया जाता है वही सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलने वाली है इस मूवी में। तो दोस्तों कमल हसन एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरेंगे इस मूवी में। दोस्तों मैं आपसे बता दूं इस मूवी के जो डायरेक्टर है दोस्तों उनका नाम है दोस्तों एस शंकर, उन्होंने बेहतरीन मूवी एक बार फिर से बना डाली है। इसके अंदर आप सभी को और मैं आपसे बताता हूँ इस मूवी का जो भी अपडेट आने वाला है और आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा ये मूवी कब देखने को मिलेगी दोस्तों थिएटर में, बहुत ही जल्दी आने वाली है मेरे को तो ऐसा ही लगता है। इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। बात कर लेता हूँ चौथी एंटीसेप्टिक मूवी के बारे में, जो कि ये भी 2024 में ही आप सभी को देखने को मिलने वाले। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं पहले तो कि ये दोस्तों ये जो मूवी आ रही है ना इसके अंदर आप सभी को बेहतरीन के सुपरस्टार, यानी साउथ के जो बेहतरीन सुपरस्टार माने जाते हैं जिनका नाम है दोस्तों जूनियर NTR, इनका जो मूवी आ रहा है ना देवराज दोस्तों बहुत ही ज्यादा तहलका मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पैन इंडिया पर रिलीज होने वाला है। दोस्तों मैं आपसे बता दूं इसके अंदर आप सभी को जो उनका लुक देखने को मिल रहा होगा ना आप सभी को बहुत ही ज्यादा डेंजरस लुक देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों आप सभी देख सकते हो पोस्टर में कैसी बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से वो देखने को मिल रहा है, कि इतना ज्यादा उनका खुखार लुक देखने को हमें मिल रहा है। दोस्तों मैं आपसे बता दूं विलेन के रूप में आप सभी को देखने को मिलने वाले बॉलीवुड के एक सुपरस्टार यानी कि सैफ अली खान, जो कि विलेन के रूप में आप सभी को देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाली है मूवी। दोस्तों देवरा मूवी में आप सभी को लीड रोल में और भी कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप एक्ट्रेस के रूप में देखने को मिलने वाली जाह्नवी कपूर। दोस्तों ये मूवी मैं आप सभी को बता दूं ये मूवी आने वाली थी अप्रैल यानी कि 2024 में ही, 5 अप्रैल 2024 को, लेकिन दोस्तों इस मूवी के जो डेट को आगे बढ़ा दिया गया और दोस्तों अब इस मूवी को आप सभी को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये आप सभी को देखने को मिलेगा 10 अक्टूबर 2024 के दिन। Let the beat drop. तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ एक और बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि दोस्तों रहने वाली है बड़े मियां और छोटे मियां, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलने वाले दो बड़े सुपरस्टार यानी बॉलीवुड के अच्छे खासे सुपरस्टार, जिसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बेहतरीन जोड़ी देखने को मिलने वाली। इसके अंदर आप सभी को विलन के रूप में देखने को मिलने वाले एक डेंजरस विलन के रूप में, जो कि दोस्तों उनका नाम है सुकुमार, और दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे साउथ को एक्टर भी है, बट दोस्तों इसके अंदर आप सभी को विलन के रूप में देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा एक्शन आप सभी को इस मूवी में तो देखने को मिलने वाला है ही। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की बेहतरीन जोड़ी के साथ आप सभी को ये मूवी ईद के मौके पे देखने को मिलेगी 2024 में ही। तो दोस्तों आप सभी बड़े मियां और छोटे मियां के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका ट्रेलर अभी आना अब बाकी है, और ट्रेलर आप सभी को देखने के बाद पता लग ही जाएगा कि कैसी रहेगी मूवी।
दोस्तों बात कर लेता हूँ एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि रहने वाली है काफी ज्यादा एंटीसेप्टिक मूवी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलने वाले वरुण धवन। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि वरुण धवन ऐसी मूवी में कभी नहीं देखने को मिले होंगे जो कि आप सभी को देखने को मिलने वाले बेबी जॉन में। दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला आप सभी को। एटली कुमार इस मूवी को बना रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही है एटली कुमार कौन है, जिन्होंने शाहरुख खान की जवान मूवी को बनाया और काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर भी रही वो मूवी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर जो लुक देखने को मिल रहा है ना वरुण धवन का, काफी ज्यादा डरावना देखने को मिल रहा है और थोड़ा बहुत तो जवान जैसा ही देखने को मिल रहा है हमें। तो दोस्तों यही तो हमें देखना है कि जवान जैसा ही है या फिर में कुछ अलग हमें देखने को मिलने वाला। दोस्तों ये मूवी आप सभी को 31 मई 2024 के दिन देखने को मिलेगी। बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी ये मूवी भी रहने वाली है। तो दोस्तों देखने के बाद ही हमें और बाकी का पता लग पाएगा, लेकिन दोस्तों एक्शन देखने के बाद तो हमें यही लग रहा है, ऐसा लगता है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ एक और नेक्स्ट एंटीसेप्टिक मूवी के बारे में जो कि दोस्तों रहने वाली है ऋषभ शेट्टी की। दोस्तों आप सभी ने ऋषभ शेट्टी की जो ये मूवी आई थी ना, जिस मूवी का नाम था दोस्तों कांतरा। हाँ दोस्तों आप सभी को याद होगा कि कांतरा मूवी 2022 में आई थी और 16 करोड़ के बजट में तैयार की गई थी और दोस्तों ने पूरे के पूरे साउथ इंडस्ट्री को इसने हिला के रख दिया था। दोस्तों 400 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था इसने, इतना ज्यादा एक्शन थ्रिलर मूवी थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और रहस्यमय जंगल से रिलेटेड इस मूवी की कहानी थी। लेकिन दोस्तों इस बार आप सभी को देखने को मिलने वाली इसी की प्रीव्यू मूवी के रूप में, यानी कि कांतरा की लेकिन कहानी इस मूवी में दिखाई जाएगी आप सभी को। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये जो मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाली है बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से, यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। दोस्तों जब भी अपडेट आएगा आप सभी को बता दूंगा। दोस्तों ये मूवी का नाम है कांतरा चैप्टर 1। अब मैं बात कर लेता हूँ एक और बेहतरीन मूवी की इस साल की दोस्तों, जो कि 2024 में ही आप सभी को देखने को मिलने वाली और काफी ज्यादा फैंस इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड भी है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये जो मूवी आ रही है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2। दोस्तों ये पुष्पा की सिक्वल मूवीज में से एक है और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये इसमें अंदर बहुत ज्यादा अच्छी खासी कहानी भी आप सभी को दिखाई जाएगी। जो भी अधूरी कहानी रह गई होगी पुष्पा में वो आप सभी को इस मूवी में देखने को मिलेगी क्लियरिफाई। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर आप सभी को अल्लू अर्जुन और भी ज्यादा अपग्रेड करके देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही पुष्पा 2 इस मूवी नाम ही है। तो दोस्तों इसका तो काम भी वैसा ही होने वाला है और दोस्तों उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा अच्छा खासा बवाल मचाने वाला है ये मूवी किसके, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो उनका लुक देखने को मिल रहा है हमें पोस्टर में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाली है 15 अगस्त 2024 के दिन। तो दोस्तों अभी हमें इसका ट्रेलर तो देखना बाकी ही है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि बिगेस्ट की मूवी रहने वाली इस साल की बहुत ही ज्यादा। दोस्तों इस मूवी का नाम है कल की 2898 AD जो कि दोस्तों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में। दोस्तों इसको देखने के लिए तो फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और दोस्तों सभी के सभी लोग इसी को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं ये मूवी आप सभी को 9 मई 2024 के दिन देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो कहानी रहने वाली है वो रहने वाली दोस्तों पानी की किल्लत से रिलेटेड। दोस्तों मैं आपसे बता दूं पानी की कमी हो जाती है 2898 AD में, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि तहलका मचा के रखते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मैं आपसे बता दूं एक ऐसा मसीहा का जन्म ना दोस्तों जो कि सभी के सभी को लोगों को बचाता है, यानी कि दोस्तों आप सभी को ये मूवी में आप सभी को जो रोल प्ले करते हुए दिखेंगे हीरो के वो देखने को मिलेंगे प्रभास। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं प्रभास के अलावा ये मूवी में आप सभी को देखने को मिलेंगे बेहतरीन कलाकार जैसे कि अमिताभ बच्चन जो कि बेहतरीन का रोल प्ले करते हुए आप सभी को इस मूवी में देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण भी आप सभी को इस मूवी में देखने को मिलेगी और भी कलाकार देखने को मिलेंगे बेहतरीन तरीके से। व्हाट इज प्रोजेक्ट के खत्म। मैं बात कर लेता हूँ इस साल की एक और बिगेस्ट मूवी के बारे में जो कि दोस्तों रहने वाली 10वीं एंटीसेप्टिक मूवी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलने वाले बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कलाकार, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दूं रोहित शेट्टी ने एक और बेहतरीन की मूवी बना डाली है जिसका नाम है दोस्तों सिंघम अगेन और ये सिंघम की फ्रेंचाइज मूवी में से एक है। और दोस्तों ये मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाली है आप सभी को बहुत ही जल्द, यानी कि 2024 में। इसके अंदर आप सभी को कलाकार के रूप में देखने को मिलने वाले अजय देवगन, रणवीर सिंह और भी जैसे कलाकार आप सभी को देखने को मिलने वाले, जैसे कि मैं दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूं टाइगर श्रॉफ भी आप सभी को इस मूवी में देखने को मिलने वाले इस बार। और इस बार आप सभी को देखने को मिलने वाले दोस्तों इस फ्रेंचाइज मूवी में आप सभी को एक्ट्रेस के रूप में दीपिका पादुकोण और दोस्तों आप सभी को देखने को मिलने वाली सिंघम अगेन में करीना कपूर खान और दोस्तों आप सभी को अक्षय कुमार तो देखने को मिलने वाले इस मूवी में सूर्यावंशी का रोल प्ले करते हुए। दोस्तों आपको बता दूं सूर्यावंशी का रोल प्ले करते हुए तो देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दूं ये मूवी बिल्कुल ही कमाल की रहने वाली है। इसके अंदर आप सभी को पुलिस की जिप्सी बजती हुई दिखेगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कमाल की रहने वाली, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बता दूं रोहित शेट्टी ने बेहतरीन की मूवी एक बार फिर से बना डाली है और उससे ज्यादा खतरनाक लुक में आप सभी को बता दूं दोस्तों किन का देखने को मिल रहा है, अर्जुन कपूर का जो कि विलन के रूप में देखने को मिल रहा है हमें इस बार, तो बिल्कुल ही तहलका मचाने वाला दोस्तों ये फ्रेंचाइज मूवी। और दोस्तों ये मूवी आप सभी को 15 अगस्त 2024 के दिन देखने को मिलेगी ऑल थिएटर्स पे।